अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अख्तर मुनीर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि व्हाट्सएप बिज़नेस के ऊपर आप एड्स कैसे रन कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस है या आपकी कोई प्रोडक्ट्स है जो आप सेल करते हैं, और इसके लिए आप लोगों ने व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर आप डायरेक्ट एड्स कैसे जो है ना रन करेंगे। इससे पहले जो लोग एड रन करते थे तो इंस्टाग्राम के ऊपर वहाँ जाके उनसे एड रन कर देते हैं, या फेसबुक के ऊपर जाके वहाँ से एड रन कर देते हैं। तो अब व्हाट्सएप बिज़नेस के ऊपर भी ये सिस्टम आए हुए हैं जहाँ से आप एड रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट ओपन कर लेंगे। उसके अंदर आप टूल्स के अंदर आ जाएंगे, और टूल्स के अंदर आप नीचे आएंगे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, तो आपका एक फेसबुक पेज होना चाहिए और आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी होना चाहिए जिसके अंदर आप लोगों का ये बिज़नेस वाला व्हाट्सएप लिंक हो। ठीक है, फेसबुक पेज के साथ आपका बिज़नेस व्हाट्सएप लिंक होना चाहिए और इंस्टाग्राम के साथ भी। ठीक है, और उसके बाद आप एड्स कैसे रन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग एडवर्टाइज़ के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो एडवर्टाइज़ के ऊपर आने के बाद आप लोगों का अगर कोई व्हाट्सएप के ऊपर कैटलाग है, उस कैटलाग को बूस्ट करना चाहते तो योर कैटलाग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, या मोबाइल के अंदर अगर कोई इमेज है तो उसके लिए जो है ना आप अपलोड फोटोज़ एंड वीडियोस के ऊपर, इमेज या वीडियो वो आप बूस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चले जाएंगे इसके ऊपर अपलोड फोटोज़ एंड वीडियो। ठीक है, उसके बाद जो भी कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह मैं कैटलाग को सेलेक्ट कर दूँ, तो फिर यहाँ से आप नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से कैटलाग के अंदर कोई भी आपने प्रोडक्ट एक हो या दो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो, और इसको टिक कर लेंगे, ओके कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको दिखाता है ये फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, तो ये फेसबुक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाता है कि फेसबुक के अंदर ये इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, साथ में व्हाट्सएप बटन होगा, नीचे टाइटल होगी और ये इमेजेस होंगे, और इंस्टाग्राम के अंदर ये इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ये बजट जो है ना, इसके साथ क्योंकि मैंने इसके साथ ही अपना डेबिट कार्ड जो है ना बैंक वाला ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों का ऐड नहीं होगा तो पहले इधर पे ये पेमेंट का ऑप्शन जो है ना, बजट एंड ड्यूरेशन, यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन होगा आप लोगों के पास। तो वहाँ पर आप ऐड पेमेंट के ऊपर आप चले जाएंगे, तो वहाँ से सबसे पहले आप अपना बैंक कार्ड जो है ना वो अटैच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग इधर आ जाएंगे तो बजट एंड ड्यूरेशन इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे यहाँ से। तो इधर कहते हैं कि आप कितने दिन के लिए चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह इसको आगे करके 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 4 दिन, कितने दिन के लिए चलाना चाहते हैं। लेकिन मैक्सिमम आप लोगों ने कम से कम मिनिमम जो है ना आप लोगों ने 3 दिन के लिए लाजमी या 4 दिन के लिए लाजमी चलाने चाहिए, और 1 दिन का आप लोगों ने कितने पैसे खर्च कर लेने हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर आप ऑडियंस के ऊपर चले जाएंगे। ऑडियंस आपको कहते हैं कि रीजन के अंदर आप चले जाएंगे, तो आप रीजन आप यहाँ से लिख लेंगे, जिस तरह मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, ये मैं बैग चला गया, ये पाकिस्तान सेलेक्ट गया। तो कहाँ पर आप इस जो है ना ऐड को दिखाना चाहते हैं लोगों को, तो पूरे कंट्री को भी आप टारगेट कर सकते हो, और स्पेसिफिक एक जगह को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कौन से एज वाले ग्रुप लोगों को आप दिखाना चाहते हैं, जिस तरह मैंने ये सिलेक्ट किया, ये 25 से मिसाल के तौर पर मैं 50 तक के लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मेल फीमेल दोनों को, या सिर्फ एक को आप दिखाना चाहते तो उसको आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, फिर आप लोग बैक आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आपको योर एस्टिमेटेड रीच ऊपर आपको दिखाते हैं कि आप लोगों का 34,345 से लेकर 99,250 तक के लोगों को ये दिखाएगा। ठीक है, फिर आप लोग इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा देगा। तो ये पेमेंट का ऑप्शन जो है, ये इस स्टेज में आपको लोगों को नज़र आ जाएगा, या इससे पहले वाला जो मैंने बता दिया, इन दोनों में से एक जगह पर आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया है, ये पेमेंट वाला मास्टर कार्ड जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने अटैच कर दिया, तो इस स्टेज पे आप लोगों को शायद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐड पेमेंट के ऊपर चले जाएंगे, ऐड पेमेंट ऑप्शन होगा आप लोगों के पास, वहाँ से आप कार्ड ऐड कर लेंगे और क्रिएट ऐड के ऊपर आप चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप लोगों का ऐड जो है ना
स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जिस तरह कि मैंने आज कल मैंने एक ऐड चलाया हुआ है, तो फिर आप लोग किस तरह देखेंगे कि हमारे लोगों का ऐड किस स्टेज में है। तो टूल्स के ऊपर आप आ जाएंगे, ठीक है, और मैनेज एड्स ये ऑप्शन, इसके ऊपर आप आ जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को अपना ऐड दिखाई देगा, ठीक है। जिस तरह आप मुझे ये दिखाई देता है कि ये 279 लोगों को दिखाई दिया है और अभी तक मुझे एक मैसेज आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप बिजनेस से जो है ना अभी एड्स ऑटोमेटिकली चला सकते हैं बहुत आसान तरीके से।